मैंने पवन जी के साथ काम किया था सैया जी दिलवा मांगे ले, एक फिल्म थी उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद चिंटू जी के साथ हमने काम किया छोरा गंगा किनारे वाला, देवरा भैल दीवाना। उसके बाद अभी जो मैंने काम किया है, जो जिससे मेरी पहचान बहुत अच्छा मिली, लैला मजनू। हम और आप होते कौन है क्या औकात देखने वाले? हमारी क्या भी साथ है भाई कि वो कहे कि आपकी औकात नहीं हुआ। अरे भैया मैं तो बोलता हूँ पब्लिक जिसके साथ है उसी की सबसे बड़ा औकात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़ू। आज मेरे साथ बैठे हैं गोपालगंज के रहने वाले, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को एक कलाकार के तौर पे स्थापित कर चुके कादिर शेख। कई सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में भोजपुरी के उभरते सितारों में से एक होने जा रहे हैं। स्वागत है कादिर जी। थैंक यू किशन जी। सबसे पहले मैं अपना आउट के तमाम श्रोता लोगों को कादिर शेख की तरफ से प्रणाम, अदाब और सलाम है। कादिर जी, गोपालगंज के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आपका खूब चर्चा है। लोग जानना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट्समैन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे झुक गया? देखिए, जहाँ तक अगर जो स्पोर्ट्समैन की बात है, तो मैं बचपन से ही दौड़ धूप और खेलकूद में बहुत आगे था और पढ़ाई के सिलसिले में मैं शुरू से ही खेलता फिरता था, और उसके साथ साथ मैं अपना एक्ट वगैरह भी करता था। बढ़िया, एक अंदर सा एक ये लालसा था कि एक आम आदमी से हटकर मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता था। आम आदमी तो बहुत लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारी एक सोच थी कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं। तो हमारी एक पहचान कहते, मेरे अंदर में शुरू से ही एक डांसिंग पोज बहुत अच्छी थी, और उस वक्त मैं गोविंदा के डांस से बहुत किया करता था, गोविंदा जी के, और उससे हमारी पहचान धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं आगे बढ़ता गया। नाटक नौटंकी में भी काम किया और धीरे धीरे मैं गोपालगंज इप्टा से हमारी जुड़ाव हुई, जो श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी, यानी कि हमारे गुरु जी। आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाने माने हैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहेगी कि इंडस्ट्री में शुरुआत आखिर हुई कैसे, सफ़र कैसा रहा और शुरुआत में क्या क्या हुआ? देखिए, शुरुआत तो हम लगभग 2001 में अपना नाटक करते थे और इप्टा से जुड़े हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे एल्बम की दुनिया में थोड़ा सा प्रवेश किए, और जो रुदल राज अलबेला की कोई थावेधाम दर्शन थी उसको मैंने उसमें जो है डांस वंस एक्ट वगैरह किया। उसके बाद धीरे से बलमा बिहारी किया, मुझे ऑफर मिला, ऐसे एल्बम की शुरुआत हमारी होती गई एज अ गायक नहीं, एज अ एक्टर के रूप में, और धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद लगभग 2005 या 6 के एबब में मैं फिल्मों के सफ़र हमारी शुरुआत हुई वहाँ से। फिल्मों की सफ़र शुरुआत हुई और आज फिल्में कर भी रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहेगी कि पहली फिल्म जिसमें आप लीड एक्टर या कैरेक्टर किए हों वो कौन सी थी? देखिए, अगर छोटी सी कैरेक्टर की बात करें तो वो हमारी पहली फिल्म थी सेनुरा की लाज, और लीड की अगर बात करें तो मेरी पहली फिल्म थी अपना गंगा में हमरो प्राण बसेला, जो हमारे गुरु श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी ने मेरे एक्ट पर, मेरे अभिनय पर उतनी काबिलियत समझा और मुझे लेकर उन्होंने एक फिल्म किया जो गोपालगंज में अच्छी फिल्म चली, यहाँ की पूरे बिहार में अच्छी फिल्म चली। गोपालगंज में लगभग हमारी फिल्म 501 महीना तक चली थी वो फिल्म। कादिर जी, चर्चा है कि बड़े स्टार्स के साथ भी आपने बहुत फिल्में की हैं, उनमें कौन कौन सी फिल्में? देखिए, जहाँ तक स्टार की बात है तो मैं पवन जी के साथ काम किया हूँ, चिंटू जी के साथ काम किया हूँ मैं, उसके बाद अभी परवेश लाल जी के साथ काम करके आया हूँ मैं, समर चतुर्वेदी जी के साथ काम किया हूँ, ऐसे कई हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जितने भी स्टारर हैं जो काम किया हूँ मैं। देखिए, जहाँ तक स्टार की बात है तो मैं आपको बता दूँ कि पहले तो मैंने पवन जी के साथ काम किया था सैया जी दिलवा मांगे ले, एक फिल्म थी उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद चिंटू जी के साथ हमने काम किया छोरा गंगा किनारे वाला, देवरा भैल दीवाना। उसके बाद अभी जो मैंने काम किया है, जो जिससे मेरी पहचान बहुत अच्छा मिली, लैला मजनू। लैला मजनू फिल्म ऐसी है जो सुपर डुपर हिट रही है, और उसमें मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया है, एक ऐसा, यानी कि वो समझ लें सेकेंड लीड हमारी थी वो फिल्म की, और लोगों ने मेरा कैरेक्टर को बहुत जो है कि सराहनीय दिया है और प्यार दिया है, उसे और ज़्यादा मुझे पहचान मिली है। उसके बाद समर्थ चतुर्वेदी जी के साथ मैंने भी काम किया था और कई ऐसे हीरोइन जिनके साथ मैंने काम किया। कादिर जी, चर्चा थी कि भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ आपने किसी हिंदी फिल्म में
पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम किया है, इसमें क्या सच्चाई? जी हाँ, पंकज त्रिपाठी जी का ग्लोबल बाबा हमने किया था, लगभग ये 2014 या 15 की बात है। उस वक्त हमारे मैं मुंबई में था और ऑडिशन चल रही थी। ऑडिशन के थ्रू मैं मनोज तिवारी जी के, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ऑडिशन लिया और मेरा काम मिला। और उसमें जो है कि मैंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और संजय मिश्रा जी थे उसमें, रवि किशन जी थे, उन लोगों के साथ मैंने काम किया और सबने मेरा जो है कि शाबाशी दिया और प्यार किया। वहीं से हमारी पहचान पंकज त्रिपाठी जी से बनी, क्योंकि मेरा एक्ट देखकर वो बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने पूछ डाला कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने बताया उनसे कि मैं गोपालगंज ज़िले से हूँ। हमारी भी पहचान वहीं से उनसे हुई कि आप भी गोपालगंज से ज़िले से हैं, तब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा बहुत आगे बढ़ोगे, आप ऐसे ही काम करते रहो, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। संजय जी भी बहुत आशीर्वाद दिए, ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे कामें चल रहे हैं हमारी। कादर जी, फिल्में तो बहुत सारी आपने की हैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहेगी कि कुल कितनी फिल्में आप कर चुके हैं। हमारी सफर से अगर जो अभी आज तक गिने तो हमारे लगभग 30 से 35 फिल्में हमारी आ चुकी है। फिल्म जिसमें मैं आपको बता, जैसे शुरू से मैं गिनूँ तो सनूरा के लाज हुआ, गजब है रामा हुआ, टूटे ने सनैया का डोर हुआ, प्यार के बंधन ना टूटे मितवा हुआ, और एक हमारी फिल्म आई थी मनोज पांडे जी के साथ, वो भी प्यार होके रही, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, सुपर हिट रहा, जिसके निर्देशन महमूद आलम जी थे और महमूद आलम जी ने बहुत अच्छा उसको पुरवाया। उसके बाद जो है कि हमने इधर कई फिल्में, जैसे अब मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा, जैसे अभी हमने इधर किया था सौगंध हमरे सुहाग के, जो राकेश मिश्रा जी के साथ हमने काम किया है, और एक हीरो वो एक मैं हूँ, बहुत अच्छी फिल्में वो भी बनी है राकेश मिश्रा जी के साथ, सौगंध भामरा सुहाग के। उसके बाद दुल्हा हिंदुस्तानी हमने किया था आपके आलोक जी के साथ, और उसमें बहुत अच्छा जो है कि वो उन्होंने भी काम किया, उनके साथ भी काम करने का बहुत ही तजुर्बा रहा, मतलब एज अ लीड हीरो ये सब हमने काम किया था इसमें, यानी कि एक आपके आलोक जी थे, एक मैं था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी रफ्तार बढ़ती गई, और अभी जो मैं किया हूँ, अभी परवेश लाल जी के साथ मैंने काम किया दुल्हा दिलदार, जिसके निर्देशक हमारे महमूद आलम जी। मैं अब महमूद आलम जी के बारे में बता देना चाहता हूँ, महमूद आलम जी हम लोग बहुत ही क्लोज हैं और हम लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा मिली, हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं। अब मोहम्मद जी एक अच्छी फिल्म पिरोते हैं और मोहम्मद जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका डायरेक्शन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। उनकी लगभग हमारी फिल्में मैं करता रहता हूँ, उनकी लगभग फिल्में मैं करता रहता हूँ, और मेरे टैलेंट को उन्होंने निखारने में बहुत मदद की है। मैं मोहम्मद जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोहम्मद जी जो अभी मैं दुल्हा दिलदार जो किया हूँ, उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के काबिल समझा और मुझे उस लायक समझा, और उन्होंने मुझे काम दिया और उसको मैंने पिरोया उस चीज़ को, और मुझे शाबाशी भी दी। अगर जी फिल्में तो होती रहती हैं, लेकिन सुपरस्टार सब नहीं बन पाते हैं, लेकिन सुपरस्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में से अगर किसी एक को बेहतर बताना हो तो आप किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, एक एक्टर किसी को क्या बेहतर बोले, सब कोई अपने जगह पर अच्छे हैं। अगर जो जिस तरह जिस जो कैरेक्टर जीता है, हर कैरेक्टर का हर एक्टर चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा फिर हूँ उसमें, चाहे अपना खेसारी जी हों, चाहे पवन जी हों, चाहे निरहू जी हों, सब अपने कैरेक्टर को अपना पिरोते हैं और अपने ढंग से सब अच्छा पिरोते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि वो खराब किए चाहे वो अच्छा किए, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने स्टाइल में अपने अपने जगह पर रख कर सब पिरोते हैं। मुझे तो कहूँगा तो भाई तीनों मेरे लिए अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब है या खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो अच्छा है। भोजपुरी के चाहे वाला जितना भी लोग बा, ओकरा के कादिर से का कहे के चाहिए? हम भोजपुरी के तमाम श्रोता लोगन के अपने तहे दिल से प्रणाम कर रहल बानी कि रउआ लोगिन हमरा के काबिल समझ लेल बानी और इतना प्यार दुलार देता नहीं गया, और ऐसे ही प्यार दुलार बने ले रहे ताकि हम और अपन झंडा गाड़ सकें। रउआ लगे प्यार के वजह से ही आज यहाँ बानी, दुनिया में केहू अकेले कुछ नहीं कले, केहू के ना केहू का हाथ रहेला, तो भाई हमारा तो रउआ लगन के हाथ बा, रउआ लगन के प्यार बा, रउआ लगन के सब कुछ बा, और इंशाल्लाह हम अपने आप के ऐसा साबित करें कि रउआ लगन में कहें बस थोड़ा सा प्यार बने ले रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोपालगंज के कादिर शेख, जो बेहतरीन अभिनेता भी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर चुके हैं, लगातार बड़े स्टार्स के साथ काम भी कर रहे हैं। गोपालगंज के नाम के साथ साथ पूरे बिहार का आप नाम रोशन करें, खूब नाम करें, खूब आगे बढ़ें और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग मिसाल कायम करें। कादिर शेख को हमारे चैनल के तरफ से ये सारी शुभकामनाएं हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मिलवाएंगे अगली वीडियो में किसी और से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।